सो हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड गाइस, एज यूजुअली आई विल ब्रिंग टू यू फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज इन टुडे सेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन गाइस, बट बिफोर वी बिगिन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर डेली क्विजेस। ओके, एंड दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। लॉन्च ऑफ दीज थ्री सर्विसेज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स, MOU between NTPC and Ministry of Power, ASEEM नाम की एक स्कीम लॉन्च की गई है रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एंड नीति आयोग और नीदरलैंड्स के बीच में एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन हुआ है ऑन डी कार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। ओके, सो दीज आर द फोर टॉपिक्स। नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट द क्वेश्चन नंबर वन। इन विच स्टेट मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स श्री डीवी सदानंद गौड़ा हैज लॉन्च दिस सॉफ्टवेयर POS 3.1 SMS service and facility of home delivery of fertilizers for farmers. Okay, so let us guys discuss the news. What is the news? So this Minister of Chemical and Fertilizers, Shri D.V. Sadanand Gowda, इन्होंने launch किए हैं तीन चीजें, क्या-क्या? POS 3.1 software, SMS service and facility of home delivery of fertilizers for farmers in Andhra Pradesh. कहाँ के farmers के लिए? आंध्र प्रदेश के farmers के लिए launch किए गए हैं ये तीन services. और ये जो POS 3.1 software है, इसमें होगा क्या? Basically ये ओटीपी बेस्ड हो गया होगा। जैसे आपको पहले पता होगा कि ये जो मशीन्स होते हैं POS के, इसमें फार्मर्स की जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसके थ्रू ऑथेंटिकेशन किया जाता है, बट नाउ दिस विल बी एन ओटीपी ऑथेंटिकेशन सर्विस दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। और ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज पैंडेमिक हम सबको पता चल रहा है COVID-19 का, तो टच को कम से कम करने के लिए, टचलेस बनाने के लिए इस सॉफ्टवेयर को अब जो है ओटीपी ऑथेंटिकेशन बेस्ड कर दिया गया है। ओके, ये जो SMS gateway है, इसमें कौन से SMS होंगे? So the SMS will be sent to farmers about the availability of fertilizers, कि fertilizers available है या नहीं, और जब वो खरीद लेंगे fertilizers तो उसका भी उनका SMS आएगा कि उन्होंने कितना खरीदा, कहां से खरीदा और कितने रुपए का खरीदा। ओके, एंड होम डिलीवरी ऑफ fertilizers की जाएगी टू द फार्मर्स ऑफ आंध्र प्रदेश थ्रू रायतु भरोसा केंद्रास। ओके, रायतु भरोसा केंद्रास के थ्रू। अब कहीं पे भी गाइज अगर रायतु का नाम आता है, रायतु का मतलब होता है फार्मर्स इन द तेलुगु, और रायतु जो है जितनी भी आंध्र प्रदेश की स्कीम है रिलेटेड टू फार्मर्स, उन सब में रायतु वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। लाइक वी हैव रायतु भरोसा स्कीम ऑल्सो अदर। सो रायतु भरोसा केंद्र, कहीं पे भी रायतु आएगा इसका मतलब क्या होगा कि वो स्कीम कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। ओके, एंड सो ये होम डिलीवरी की जाएगी ऑफ द फर्टिलाइजर थ्रू दीज केंद्रास, एंड आंध्र प्रदेश इज द ओनली स्टेट टू लॉन्च सच इनिशिएटिव ऑफ डिलीवरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स at the doorstep of farmers, okay? And this guys, Raitu Bharosa Kendra, it was launched this year. Isi saal 2020 mein isko launch kiya gaya, and total 10,641 Raitu Bharosa Kendras were launched in all the gram panchayat across the state of Andhra Pradesh, okay? Aur ye kis liye? Basically to provide the real-time market prices to the farmers and to provide other allied services to the farmers, taki unko kharidne bechne mein jo cheeze hain wo asani rahe, okay? So now let's come back to the question. What was the question? So in which state these three services are launched? So guys, the state is what? Andhra Pradesh, जिसमें जो home delivery fertilizers है उसको आपको ध्यान रखना है. This will be done through the Raitu Bharosa Kendras. Okay. And now let's move on to the question number two, which is about the MOU that has been signed between NTPC and Ministry of Power. So हमें बताना है which of the following is not one of the key targets that have been set in the MOU signed between NTPC and the Ministry of Power. So ये जो MOU signed हुआ है guys, ये basically हुआ था targets को set करते हुए कि हमें 2020-21 के लिए जो NTPC है उसको क्या क्या targets complete करने हैं. Okay, और उसमें से जो main चार बातें हैं वो यही हैं. इस MOU में आपको यही चार बातें पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना, but that is also very important. पहला ये है कि 340 billion units electricity generation in the year 2020-21. फाइनेंशियल ईयर 21 में 340 बिलियन यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, 15 मिलियन मेट्रिक टन्स का कोल प्रोडक्शन होगा इस साल, रुपीज 21,000 करोड़ कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो इस एनटीपीसी का कितना होगा? रुपीज 21,000 करोड़, और लास्ट ईयर ये था 20,000 करोड़, ओके, एंड इसके अलावा 98,000 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशंस, ओके, तो ये चार इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्रॉम दिस एमओयू, एंड आपको यही चार बातें याद रखनी है, दीज आर गाइस वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है, उसने कुछ एमओयू साइन किया है,
विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उन कुछ बेसिक टारगेट सेट किए हैं, तो इन टारगेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट? सो एंड एनटीपीसी की अगर बात करते हैं, तो एज आई टोल्ड यू, इट इज अ महारत्न कंपनी, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1975, इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, और जो इसका प्रिंसिपल फंक्शन है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का. ओके, सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द की टारगेट्स. तो 340 मिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यस. 20,000 मिलियन मेट्रिक टन कोल प्रोडक्शन, नो, इट इज 15,000. 15,000 मिलियन मेट्रिक टन का कोल प्रोडक्शन करना है हमें. एंड रुपीज 21,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑप्शन बी ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज वी हैव ओनली वन इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर. ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 and 4, विच आर बेस्ड ऑन द न्यूली लॉन्च स्कीम, जिसका नाम है असीम. अगर आपने सैटरडे वाला सेशन देखा है असीम का, देन दैट इज वेल एंड गुड, आपका रिविजन हो गया है, हो जाएगा अभी. और नहीं देखा है तो आप प्लीज ध्यान से देखिए, स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली लॉन्च की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ओके, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ असीम, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन. दिस हैज बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, विच इज हेडेड बाय मिस्टर थावरचंद गहलोत, हु इज द लीडर ऑफ राज्यसभा. और ये क्यों लॉन्च किया गया है, टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द एससी स्टूडेंट्स, और जिसमें जो फोकस है वो किसके ऊपर होगा, दिव्यांग एससी स्टूडेंट्स के ऊपर. ओके, और ये सभी के सभी स्टूडेंट्स कहां के होंगे, जो कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? एंड इसके अलावा ये कुछ की पॉइंट्स हैं, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससी. एक वेंचर कैपिटल फंड क्रिएट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2014-15, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2015 में ये वेंचर फंड कैपिटल फॉर एससी क्रिएट किया गया था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एससी फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, एंड इट वाज सेट अप इन 2016, रिमेंबर दिस, इसको लॉन्च कर दिया गया था 14-15 में, लेकिन उसका फंड आते आते उसमें 2016 हो गया था. ओके, सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये सेटअप वर्ड है, एंड आई टोल्ड यू दैट लॉन्च्ड इन फाइनेंशियल ईयर 15, बट सेटअप होते होते उसको टाइम लगा एक साल का, और उसमें फंडिंग अभी कितने की चल रही है, लगभग 500 करोड़ रुपए की. ओके, और ये अप्रोक्सीमेट फंडिंग है, ये कम ज्यादा होती रहती है, यू शुड नॉट रिमेंबर दिस. एंड नाउ इसमें टोटल 1000 एससी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उनके आइडियाज को सिलेक्ट किया जाएगा टिल 2024. अगले चार सालों के अंदर 1000 एससी स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड, देयर आइडियाज विल बी सिलेक्टेड, एंड दे विल बी प्रोवाइडेड रुपीज 30 lakh इन द अपकमिंग 3 years फॉर द सेटिंग अप देयर वेंचर्स. जो उनका वेंचर है उसका सेटअप करने के लिए, जो भी उनका आइडिया था उसको एक वेंचर में कन्वर्ट करने के लिए, उसको एक एंटरप्राइज में कन्वर्ट करने के लिए 30 lakh रुपए दिए जाएंगे 30 साल में. और अगर वो सक्सेसफुली सेटअप हो जाता है, देन दैट वेंचर विल बी प्रोवाइडेड रुपीज 5 crore, 5 crore रुपए तब प्रोवाइड कराए जाएंगे सक्सेसफुल होने पे. और जो टोटल बजट है गाइज स्कीम का वो है 19,320 lakh. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं वेंचर कैपिटल फंडिंग जो एससी के लिए लॉन्च किया गया था, सो इट वाज अनाउंस इन 2015 एज आई टोल्ड यू, बट इट वाज सेट अप इन 2016 बिकॉज फंडिंग आते आते टाइम लगा. टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग एससी स्टूडेंट्स इन इंडिया, इसमें जो मिनिमम साइज है दैट इज रुपीज 20 lakh एंड मैक्सिमम इज रुपीज 15 crore. मैक्सिमम साइज किसका, फाइनेंशियल असिस्टेंस का, राइट? टेन्योर 8 साल का है इंक्लूडिंग द मॉरेटोरियम पीरियड. देन जो फंडिंग पैटर्न है वो दो तरीके का है, अप टू 5 crore एंड मोर देन 5 crore. अब ये क्या है, अप टू 5 crore में क्या होगा बेसिकली, कि जो 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस फंड, वेंचर कैपिटल फंडिंग फॉर एससी, वाइल द रेस्ट ऑफ द 25% विल बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोमोटर्स. ओके, एंड अगर फंडिंग मोर देन 5 crore की है, तो इन दैट केस 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू दिस फंडिंग, while 25% will be provided through promoters and the rest 25% will be provided through the banks or financial assistance or financial institutions in the form of loans. Okay, so and iske andar 30% of the beneficiary should be women and or disabled SC holding at least 51% of the shareholding in the company. All right, so guys, this is the basic facts about venture capital fund for SCs. All right, and now like come back to question number 3 and 4. So which initiative has been launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment to promote innovation and among SC students? So guys, the initiative is what, ASIM. Option A, ASIM, ASIIM. Ek aur agar aapko yaad ho to ASIM, ASIIM karke ek scheme humne padhi thi. So can you tell me the full form of this ASIM? Option C wala jo ASIM hai, iska full form write down in the comments. Ye kuch din pehle scheme launch hui thi. And question number 4,
how much financial assistance will be provided under the ASEAN scheme for 3 years for setting up the ventures. So rupees 30 lakh will be provided for setting up the ventures, and if the venture is successful, then that venture will be provided rupees 5 crores for further enhancement. Okay. And now let's come to the question number 5, which is the last question for today. So with which country Niti Aayog has signed a letter of intent on decarbonization and energy transition agenda? This question, guys, can be asked in your exam, because aajkal energy ki bahut zyada baatein chal rahi hai, environment ki bahut zyada baatein chal rahi hai. So this question can be asked in your exam. So what is the news? So news is that the Niti Aayog and Netherlands, Niti Aayog is headed by the Prime Minister of India. It was established, it was set up on 1st of January 2015. Amitabh Kant is the CEO, Dr. Rajiv Kumar is the Vice Chairperson. Okay. And so in dono ne statement of intent sign kiya on decarbonization and energy transition agenda. Iske pehle Niti Aayog aur International Transport Forum mein bhi ek decarbonization project launch kiya tha India mein. And the name of the project was Decarbonization Project for Decarbonization Transport Project in Emerging Economies. Okay. So this was the name in Emerging Economies. Decarbonizing Transport Project in Emerging Economies. This project was kuch samay pehle launch kiya gaya tha by International Transport Forum and Niti Aayog in India. और ये इमर्जिंग इकोनॉमीज में चार इकोनॉमीज की बात की गई है. यहाँ पे अजरबैजान जिसका अभी आर्मेनिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको पता होगा, और इसके अलावा अर्जेंटीना, देन वी हैव मोरक्को, एंड देन वी हैव अवर प्यारा भारत, दैट इज इंडिया. ओके, सो दीज फोर कंट्रीज, इन चारों कंट्रीज में ये जो प्रोजेक्ट है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है बाय द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, एंड रिसेंटली इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया, और अब जो है इन चारों कंट्रीज को कवर कर लिया गया है. ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑन डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा. सो व्हाट आर द की एलिमेंट्स, गाइस? सो बेसिकली इसके नाम से पता चल रहा है कि हमें जो हमारी इकोनॉमी है उसको डीकार्बोनाइज करने का काम करना है. सो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? लोअरिंग द नेट कार्बन फुटप्रिंट एंड in industrial and transport sectors, realize the target potential of natural gas and promote bioenergy technologies, to adopt clean air technologies, jo hamari technologies hai wo unko hame clean air technologies ko adopt karna padega. We have to adopt the next generation technologies such as hydrogen carbon capture utilization storage for sectoral energy efficiency. To is tarike ke kuch steps hain jo ki dono countries ne decide kiye hain that we'll do for decarbonizing our economy. Okay. एंड ये जो भी ये स्टेप्स हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर, ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. दीज कैन नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम. दिस इज जस्ट फॉर द बेसिक आइडिया कि बेसिकली हुआ क्या है. ओके, एंड दीज आर सम एमिशन एंड एनर्जी टारगेट्स ऑफ इंडिया. सो वी हैव टू अचीव 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट बाय द ईयर 2022, वाइल 450 गीगावाट बाय द ईयर 2030. एंड रिसेंटली जो अमिताभ कांत है उन्होंने बताया दैट वी विल रिड्यूस कार्बन एमिशन इंटेंसिटी बाय 33-35% बाय द ईयर 2030. ओके, सो दिस वाज गाइस अबाउट दिस न्यूज, एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. सो विद विच कंट्री नीति आयोग हैज साइंड दिस? सो द कंट्री गाइस इज व्हाट? नीदरलैंड्स. ओके, ऑप्शन बी नीदरलैंड्स विल बी द करेक्ट आंसर. एंड कैन यू टेल मी द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स? राइट डाउन इन द कॉमेंट्स द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स. And guys, that's it for the session today. I hope aapko ye session clear hai and there are no doubts. If you have any doubts, you can ask me in the doubt section. Thank you so much for watching. Milte hain kal ke session mein. Goodbye, take care and God bless.